दोस्तों अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म का नाम है बेल बॉटम। अब सूर्यवंशी रिलीज नहीं हो रही तो अक्षय की बेल बॉटम उनकी रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनेगी इस साल की। 19 अप्रैल को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी अगर कोविड-19 की सिचुएशन इंडिया में अंडर कंट्रोल रही। बात करें फिल्म की ट्रेलर की, जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार अब तैयारी कर रहे हैं बेल बॉटम के ट्रेलर की रिलीज के लिए। अभी तक सब कुछ नॉर्मल रहता तो उसका ट्रेलर आ भी चुका होता। डिले इसलिए हो रहा है कि कहीं पिछले साल सूर्यवंशी का ट्रेलर रिलीज हुआ लेकिन फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी। ये सिचुएशन अक्षय कुमार बेल बॉटम के साथ नहीं चाहते, इसलिए अक्षय कुमार लगातार कोविड की सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है आपको बेल बॉटम का ट्रेलर इसी महीने की अंतिम कुछ तारीख में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिल्म को रिलीज में अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। और अगर कोविड यहाँ पे नियंत्रण में नहीं आता है तो अक्षय कुमार जल्द ही ट्वीट करके फिल्म को पोस्टपोन करने की डेट भी हमारे सामने रख देंगे। बेल बॉटम में अक्षय कुमार एक शानदार कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे और एक प्लेन के हाईजैक होने की कहानी है। फिल्म रियल कहानी पर आधारित है और अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक है वो काफ़ी बेहतरीन अंदाज में नज़र भी आया था। अक्षय कुमार हमेशा अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, इसी दौरान ये बेल बॉटम से उम्मीदें और भी बढ़ गई है, क्योंकि सूर्यवंशी से पहले ये फिल्म आएगी तो अच्छी खासी कमाई भी करके जाएगी। अक्षय कुमार का इंतजार फैंस पिछले एक साल से कर रहे हैं कि कब अक्की की कोई सुपर हिट फिल्म हम सिनेमाघरों में जाके देख सके। तो बेल बॉटम के ऑफिशियल ट्रेलर के लिए दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप पहले कौन सी फिल्म देखना चाहते थे, सूर्यवंशी या बेल बॉटम, ये भी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आपको अक्षय कुमार की हर मूवीज़ की अपडेट यहाँ मिल सके सबसे पहले।